नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी। मैं हूं गौतम ठाकुर। आवाम की आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। जनाब, आज आप पहुंचे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। जी हां, जहां पर आज कार्यक्रम है आर्ट ऑफ लिविंग का, जहां श्री श्री रविशंकर जी पधारे हैं और नौजवानों को एक मैसेज देने के लिए आए हैं कि आपको नशे को ना कैसे कहना है। आज इस कार्यक्रम में जनाब मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि दो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक, पुलवामा का जो अटैक हुआ, CRPF के 40 जवान शहीद हुए, लेकिन उन आतंकवादियों से बदला लेना आसान है, लेकिन इस नशे से जिसको आज नौजवान खुद अपना रहे हैं और खुद चाहत से अपना रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए। आतंकवादियों से हम नफरत करते हैं, उनको हम सबक सिखा सकते हैं, लेकिन जिसे हम अपनी इच्छा से अपना रहे हैं उससे कैसे लड़ेंगे, उससे अपने नौजवानों को, अपने जवानों को कैसे बचाएंगे, जनाब आज यही सवाल है। आज कुछ लोगों से बात करेंगे, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए कुछ लोगों से बात करेंगे, नौजवानों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो एक इच्छा रखते हैं अपने समाज को, अपने दोस्तों को बदलने की। तो चलिए जनाब अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। आज जनाब आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से ड्रग्स, नौजवानों को ड्रग्स ना करने की हिदायत दी गई, उनको समझाया गया, एक संदेश दिया गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनके बारे में जानते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। महावीर जैन, बॉम्बे से। महावीर जी, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि नौजवान हमारे देश की ताकत है और हमारे देश की तरक्की में उनका बहुत बड़ा हाथ है, और वो सब अगर एक हो जाए कि यार हम ड्रग्स के खिलाफ हैं, और जो हमारे दोस्त लोग ड्रग्स करते भी, अगर हम उनको प्यार से समझाएं और उनकी हिम्मत बने कि यार तुम ड्रग्स में हो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें निकालते हैं मिलके ड्रग्स से, तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि ड्रग्स हमें खोखला बनाता जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा यूथ सब साथ में जुड़े और अपने आसपास के दोस्तों को ड्रग्स से निकालें, और एट द सेम टाइम नए लोग उस ड्रग्स में ना जाएं, उसकी भी अवेयरनेस को, उसके लिए भी कंसर्न रहें और उसको आगे उसके लिए काम करें। बिल्कुल, अगर ये एक शुरुआत हम लोग करें तो ज़रूर बदलाव आ सकता है। हमारे साथ प्रिंस जी हैं जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और बखूबी कहां पर किस तरीके से अटैक करना है उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, कि ड्रग्स को नो कहने के लिए आपने यही जगह क्यों चुनी जहाँ पर बहुत सारे यूथ है, इस जगह को टारगेट क्यों किया गया? सी, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के विजन से हम लोग काफ़ी सालों से इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, और उनका एक विजन था कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बड़ा अपना इसके लिए कुछ करते हैं, और उस विजन से ये प्रोग्राम जो एक्चुअल में हरियाणा में होने वाला था, बट सम हाउ वी मेट ऑल द टीम इन मुंबई, यू नो, फ्यू वन ईयर्स बिफोर, एंड वहाँ पे कुछ ऐसा निकला कि क्यों ना हम कुछ सेंटर प्लेस ऐसी ढूंढे जहाँ पे हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, J&K सबको सेंट्रलाइज ये सब करें। तो ये सब निकलते निकलते हमने चंडीगढ़ डिसाइड किया। अब जब चंडीगढ़ पहुँच गए तो फिर उसमें से एक प्रपोजल आया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ पे नियर बाय है, जहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ है, लेट्स डू इट फ्रॉम देयर। सो जब लोग यहाँ पे आए, हम संधू साहब से मिले, हम कांग साहब से मिले, सो उनकी सपोर्ट और उनका प्यार देख के हमें ऐसा अंदर से कन्विक्शन आया कि हमें यहीं से ही करना चाहिए। मैं दर्शन औलख जी के पास जाना चाहूँगा जो कि एक स्टार हैं जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, आप सभी इन्हें पहचानते हैं। सर, आपका स्वागत है आवाम के आवाज़ कार्यक्रम में। सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। यूथ जो है वो जैसे दशा है वैसे दिशा भी बदल सकता है, क्योंकि यूथ आइकॉन है हमारे इंडिया का, जो अभी थोड़ा भटका हुआ है ड्रग के साथ तो बुरी तरह, उसके अलावा उनकी कॉमन सेंस भी मुझे लगता है कि बड़ों का सत्कार, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर यूथ अपने आप को प्रिपेयर करेगा, वो प्रॉब्लम सारी ड्रग की है, क्योंकि वो ड्रग लेता है तो उसी वजह से उसका मेंटली अपसेट हो जाता है, उसी वजह से किसी का रिगार्ड नहीं उसके अंदर। तो अगर आज जो हमने उपराला किया है यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा उपराला है, यूथ को आइकॉन इसलिए रखा है क्योंकि यूथ ही इसको आगे लेके जा सकता है, आम लोग जो है वो अपने काम में लगे हुए हैं, तो इसलिए मुझे लगता है एक अच्छा उपचार किया हमने। तो इस तरीके के इवेंट्स का कितना असर और प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है? देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है और आप भी मुझे अपने मीडिया में ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यूथ के थ्रू ये बहुत सारा लोगों तक फैलेगा और इसका बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा और यूथ भी सुधरेगा, लोग भी सुधरेंगे। चलिए जनाब, एक सेलिब्रिटी हमारे साथ हैं, एक बेहतरीन कॉमेडियन जो जिंदगी भर जिन्होंने अपनी एक शुरुआत से ही आपको बहुत हंसाया है, राजीव गोल्डी जी हमारे साथ हैं, जिनकी कॉमेडी की आप दीवाने हैं और हम भी दीवाने हैं, लेकिन आज एक संदेश आपको ज़रूर देना चाहेंगे। आज रविशंकर जी का जो एक इवेंट था,
ड्रग्स को ना लेने के लिए प्रमोट करने का, यानी कि ड्रग्स को नो कहने का। तो कितना मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे जो नौजवान हैं जो नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उनको एक संदेश दें। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी नशा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप नशा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी उम्र कम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में जो लोग नशा कर रहे हैं ये एक टाइम बीइंग, एक छोटा सा एक आपका मज़ा है, उस 5 मिनट के मज़े के कारण आप लोग अपनी ज़िंदगी कम कर रहे हैं। मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आप नशा मत करो। नशा यदि आप कर रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी के आप अहम टाइम कम कर रहे हैं। और जितने भी अभी लोग आपको लगता है कि सामने कोई नशा कर रहा है ना, कोई सिगरेट पी रहा है, उसकी सिगरेट छीन लो और भाग जाओ वहाँ से, ताकि वो बंदा आपके पीछे भागे, वो भागे उसकी फिटनेस हो जाए, उसकी नशा छूट जाए। कॉमेडियन का यही फायदा है जनाब, वो हर चीज़ को एक सही तरीके से आप तक तो पहुंचा देता है। जनाब मैं एक चीज़ ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ नौजवान ये कहते हैं कि आप अपने आप को ही बचा लो, अगर आपका दोस्त नशे में है उसको संभालना बहुत मुश्किल है, आप कोशिश करो कि अपने आप को बचाएं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको मिल जाए यदि आप संभाल लो ना, तो आपकी ज़िंदगी संभल गई। ज़िंदगी में सबसे कीमती पता क्या है? ज़िंदगी। यदि आपने ज़िंदगी में नशा करना छोड़ दिया ना, तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी डबल हो गई है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के थ्रू, मैं अपने भाई के थ्रू आपको ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लीव ऑल दीज थिंग्स, दिस इज जस्ट लाइक नथिंग, कुछ भी नहीं है ये। और मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, हम यदि ज़िंदा रह रहे हैं तो अच्छा खाना खा के, गुड रेस्ट, गुड एक्सरसाइज एंड गुड डाइट, ये एक अच्छा तरीका, यदि आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। नशा इज जस्ट लाइक नथिंग, 5 मिनट के समय के कारण आप इंजॉयमेंट के कारण अपनी ज़िंदगी का अहम टाइम खत्म कर रहे हैं। तो मैं यही आप सबके सामने प्रग लेता हूँ, प्रण लेता हूँ कि ना मैं नशा करूँगा और ना ही किसी को करने दूंगा। ये पोस्टर मैंने पकड़ाया गया, मैंने फंडा पै गया, तो मैं भी अज तो बाद ना सब लोग जरा सिगरेट पिएगा ना, वो सिगरेट लगे भाज जाना, तो वो फिटनेस हो जानी है, तो मेरे वाले एक पुण्य हो जाना है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर DSN टीचर से, और उनके बारे में जानेंगे और उनसे ये जानेंगे कि आखिर इस इवेंट का कितना जो असर है उनको लगता है कि नौजवानों तक पहुंचा है। सर सबसे पहले तो आपका वेलकम है आवाम की आवाज़ प्रोग्राम में। थैंक यू। सर कितना इम्पैक्ट जो है इस इवेंट का नज़र आता है नौजवानों में? देखो कहीं ना कहीं से कोई शुरुआत करनी पड़ेगी, तो दिस इज़ द बिगनिंग एंड और हमने एकदम प्रॉपर प्लेस पर जाके हिट किया है, यूथ CU में हिट किया है, ऑल यूथ इज़ देयर। और पंजाब में इस टाइम ड्रग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है, तो यूथ अगर चाहेगा तो ये ज़रूर इसका अंत होना निश्चित ही है, पक्का है। एक तरीके से ये देखा जाए कि नौजवान जो है इसको खुद अपनाता जा रहा है। एक अगर हम सरहद पे जो दुश्मन है उससे तो हम लड़ सकते हैं क्योंकि हमें उससे नफरत है, लेकिन इस चीज़ को यूथ खुद अपना रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग हमेशा ये सिखाता है कि आपको ज़िंदगी किस तरीके से जीनी है, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। एक नौजवान जो इस चीज़ को बेहतरी का एक कहा जाए एक शोबाजी का तरीका समझ चुका है, उसको ट्रैक पर कैसे लाया जाए? उसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि यूथ अपना क्यों रहा है, क्योंकि यूथ को चाहिए किक, वो किक के लिए अपनाता है। तो अगर उसकी एनर्जी को आप थोड़ा सा मोल्ड कर दोगे कि यार अपने लिए बहुत जी लिया, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द अदर साल्थो, जब वो एक स्लोगन अपनाएगा ना, ना मैं करूँगा ना मैं करने दूँगा, तो उस समय जब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली औरों की, मुझे तो ठीक रास्ते पे आना ही पड़ेगा। मैम मैं आपके पास आना चाहूँगा, एक परिवार में एक महिला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो अपने बच्चों को भी संभालती है, अपने पूरे परिवार को बांध के रखती है, तो एक माँ का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा अपने बच्चों को सही ट्रैक पर लाने के लिए, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगी कि वो गलत रास्ते पर चला जाए, लेकिन फिर भी बच्चे जाते हैं। यहाँ पे मैंने ये देखा है कि ये जो यूथ का प्रोग्राम था ना, तो यूथ के जरिए ही यूथ को समझाया जा रहा था। जब माँ बाप अपने बच्चे को समझाते हैं ना, शायद उनको इस बात का थोड़ा कम उसके ऊपर असर होता है, पर जब यूथ को बच्चे देखते हैं ना कि हाँ मेरे जैसे ही सारे इस चीज़ का अपोज कर रहे हैं, तो वो अपने आप ही उनको इस ट्रैक पे आना ही पड़ता है ना। तो माँ उनकी दोस्त बनकर इस चीज़ को उनको ट्रैक पे लाने में बहुत नायाब, मतलब अपना एक रोल अदा कर सकती है, उनकी दोस्त बनकर। एक दोस्त अगर माँ बन जाए तो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। आई ऑल्सो एग्री विद अंजना दी कि अगर एक माँ दोस्त बन के अपने बच्चों की केयर करती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, रिजल्ट की ही हर कोई तलाश करता है। एक संदेश चाहूँगा कि सर आप नौजवानों को दें, यहाँ पे एक संदेश तो ज़रूर दिया गया, आपकी तरफ से आप किस तरीके से नौजवानों को समझाना चाहेंगे? मैं तो ये समझाना चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्रेंड्स बन के इसको आगे बढ़ाएं, ना करूंगा ना करने दूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
जनाब एक तरफ श्री श्री रविशंकर जी का कार्यक्रम चल रहा है जो कि ये मोटिवेट कर रहे हैं कि नौजवानों को ड्रग्स की तरफ, नौजवान क्या, भले ही देश के आज किसी भी इंसान को नशे की तरफ नहीं जाना चाहिए, वहीं कुछ ये नौजवान हैं जो ड्रग फ्री इंडिया का एक संदेश आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर किस तरीके से ये मैसेज इनके दिमाग में घुस चुका है और वो चाहते हैं कि ये मैसेज आप भी समझें और देश को ड्रग फ्री बनाएं। आपका नाम जानना चाहूंगा। आस्था। आस्था, सो क्या क्या दिमाग में आया कि ड्रग्स इतनी बुरी चीज आज समझ में आया, बहुत पहले से समझ में आ रहा था? वो तो पहले से ही पता है, पर फिर भी ये लोग अवेयर कर रहे हैं कि भाई नहीं करनी चाहिए, ये हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती। आपको क्या लगता है नौजवान आखिर क्यों इस नशे की तरफ, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं? देखो अपनी अपनी सोच होती है। आपकी क्या सोच? मेरी तो यही सोच है कि ड्रग्स को मतलब नहीं लेना चाहिए, हानिकारक होते हैं, बट अगर एक बार ले लिया तो यूज़ टू उसका हो जाता है। इसलिए कई रिहेबिलेशन सेंटर्स हैं जिसके लिए इंसान को छुड़ाना होता है, पर इंसान मतलब उसकी अंदर भी विलिंग पावर होनी चाहिए। जो एक चीज़ बहुत देखने में आती है यार, हर चीज़ दुनिया में किसी ना किसी एक चीज़ के लिए बनाई गई है, किसी ना किसी सोच के लिए बनाई गई है। एक बार ट्राई करके तो देखें। आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है बॉस? प्रणव। प्रणव, ट्राई करके तो देख भाई, ये बहुत सुना होगा। नहीं, काफ़ी दोस्त वगैरह ऐसे कहते भी हैं, पर उसको नहीं करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। वो सेल्फ कंट्रोल की बात आती है, तो उसको बेटर की पहली बार ही नहीं तो बाकी आगे भी नहीं। इस इवेंट को आपने अटेंड किया, क्या समझ में आया इतना जानकर? ये ऐसा होता है लाइक आपको कभी कभी, आपको ये चीज़ पता है कि ड्रग्स आर नॉट गुड फॉर यू, बट आपको कभी कभी अंदर से लाइक किसी और की वजह से आप कभी ड्रग एडिक्ट हो सकते हो, पीयर प्रेशर हो सकता है जैसे, तो वो उसी चीज़ को आपको कंट्रोल करना। आपको हम कभी भी किसी की उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना कि ड्रग्स आर गुड या ऐसा कुछ। हमें ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, अगर हमें एन्जॉयमेंट करना है उसके और भी साधन हैं, बट एक बार ड्रग्स लेके हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं तो इट्स अ फुलिश थिंग टू टेक ड्रग्स, सो इट्स नो टू ड्रग्स। क्या वो सिचुएशन कभी आपके सामने आई है कि कोई आपका दोस्त आपको ये कहता हो कि एक बार ट्राई कर, और आपने उसे किस तरीके से समझाया? फॉर्चुनेटली अभी तक मेरे साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है। ऐसा होता है तो मैं अपने आप को भी कंट्रोल करूँगी और अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट करूँगी कि वो ऐसा ना करे। जैसे कपिल सर ने भी अपनी शेयर किया एक्सपीरियंस, वो जब डिप्रेशन में थे उन्होंने शराब पीना शुरू किया, फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी माँ को देखा, क्योंकि उनकी माँ की जब वो उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, अपने आप को बदलने की कोशिश की, उन्होंने देखा उनकी माँ की नई ज़िंदगी, तो उनकी इंस्पिरेशन उनकी माँ थी। लगता है आज एक ये जो एज है ये बहुत इस तरीके की होती है कि आप किसी भी रास्ते की तरफ चल देते हैं, नशा या कहा जाए एक ट्रेंडी, एक ट्रेंड अगर कहा जाए कि एक टॉर दिखाने का तरीका, लगता है आपको कि ज़्यादा शोशेबाजी के चक्कर में भी कई बार गलत ट्रैक पकड़ लिया जाता है? होता ही है, ज़्यादातर तो क्यूरियोसिटी से ही शुरू होता है, हर बंदा ट्राई करना चाहता है। गानों से देखते हैं हम लोग, अलग अलग जगहों से इधर उधर करते देखते हैं, हमें लगता है कि जो नशे करते हैं वो बंदे कूल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, उनके अंदर ट्रेंड होता है खुले खुले कपड़े डालने हैं, उनका एक अपना फैशन होता है, हम लोग उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम नशे एक बार ही करने शुरू करते हैं, वो एक अलग सी दुनिया दिखती है, उसके बाद उसी में जाते जाते हैं। जो सफ़र करता है, बॉडी सफ़र करती है, नशे वाले को तो अपना इतना सफ़र करता हुआ पता नहीं लगता, लेकिन असली जो पता लगता है वो फैमिली इतनी ज़्यादा सफ़र करती है, जबकि नशे को हम कह देते हैं कि भी ये विक्टिम है, जो नशा अडिक्ट रहता है वो विक्टिम कहते हैं, जो कि उसकी फैमिली है वो ज़्यादा बड़ी विक्टिम होती है, जो उसकी फैमिली सफ़र करती है वो अपने घर में चोरियाँ करता है, पैसे हर चीज़ को बेचने लग जाता है, और इस हिसाब से वो अपने घर का इतना माहौल ख़राब करता है, फैमिली के अंदर रेपुटेशन इतनी डाउन कर देता है, फैमिली वाले इतने कलपते हैं। कितना समझ में आया इवन, ये जानना चाहूँगा कि नशे को किस तरीके से ना बोला जाए, ये कैसे समझ में आया? पहले तो आप अगर आपके फ्रेंड्स जो ले रहे हैं उनसे पीछे ही रहो, है ना, अगर आप उनके साथ वैसी सोसाइटी में रह रहे हो जो ले रहे हैं तो आप ओब्वियसली उसी लाइन पे जाओगे जैसे आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे। इससे अच्छा है अगर आप पीछे रहना चाहते हो, नशे वगैरह से हटना चाहते हो, तो आपको अपने फ्रेंड्स छोड़ने चाहिए और अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि फैमिली फिर जो इन्होंने कहा ये सफ़र तो फैमिली करती है, खुद को तो पता ही नहीं चलता है, दिमागी मेंटली तुम प्रिपेयर्ड ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं तुम कहाँ रह रहे हो, क्या बोल रहे हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, वो तो फैमिली है जो सफ़र करती है। तो आई थिंक सोसाइटी से, वैसी सोसाइटी से ही अलग हो जाओ कि जो नशे वगैरह में हैं। तो कईयों को दोस्ती निभाने का बड़ा शौक होता है कि मेरा दोस्त मेरी जान है, लेकिन अगर आप उसी जान को बचाएं तो कितना खूबसूरत वो लम्हा होगा। दोस्त को छोड़ने से बेहतर है उसको नशे से दूर कर देना, ऑब्वियसली, क्योंकि नशे के साथ हम अपने आप को ही नहीं, जैसे उसने कहा कि अपनी पूरी सराउंडिंग्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जो कि आत्महत्या, सुसाइड बॉम्बर जैसे, ये मेरे हिसाब से तो वही सब हो गया कि खुद भी मरो और साथ वालों को भी मारो।
ایک سوجھ بوجھ ہونی چاہیے انسان کو. اور ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نشہ ہے کیا, ہم بس لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اویئرنیس نہیں ہے. اور جو یہ ایونٹ ہوا ہے دیٹس گڈ کہ مطلب لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس کو کروں گا تو یہ افیکٹس ہوں گے. لوگوں کے اندر جب تک یہ بھاونا ہی نہیں آئے گی کہ ہاں میں اپنے ساتھ برا کر رہا ہوں یا اپنے پریوار کے ساتھ, ان کو کبھی ریئلائز ہی نہیں ہونے والا. آل اوور ورلڈ یہ بہت بڑا ایشو بن چکا ہے, نشے وغیرہ سارے ریپرز وغیرہ یہ سب کرتے ہیں, بچے گاڑیوں میں گانے لگاتے ہو یہ سب کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کول ہے. پیرنٹس کہیں تو کہتے ہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے آپ رہنے دو, پر آبویسلی انہوں نے ہم سے زیادہ دنیا دیکھی اور وہ ہمیں ہمیشہ صحیح ٹریک پہ لانے کی کوشش کریں گے, پر وہ ہماری عقل ہوئے گی کہ ہم کون سی راہ پہ جانا چاہیں گے زندگی میں. یہ جو اسٹارز آج اس پلیٹ فارم پہ نظر آئے, کتنا آپ کو فائدہ مند لگتا ہے کہ جن کے گانے سن کر کئی نوجوان راستے سے بھٹکتے ہیں, نشہ جب دارو نشے بوتلوں کی بات گانوں میں آتی ہے, وہی اسٹار اسی طریقے کے اسٹارز جو اسٹیج پر آ کر ایسا سندیش دیں کہ آپ کو نشے کو نہ کس طریقے سے بولنی ہے, تو کتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے؟ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں اوپنلی, بیکاز جتنا ایڈوکیٹ کریں گے ماسز کو اتنا ہی وی کین اسٹاپ دس اینڈ ایریڈیکیٹ دس پرابلم. بیکاز ایون اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس انڈیا میں اتنا ڈرگز نہیں تھے ان دا پریویس ایئرز اور ڈیکیڈز, بٹ ابھی کافی زیادہ ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایسے ایونٹس ہوتے رہیں اور اتنا ہی ایڈوکیٹ کریں ہم ماسز کو. سیلیبریٹیز کا آنا اس سے ایک ماس اکٹھا ہوتا ہے, اس سے اکٹھے ہونے کے کارن لوگوں تک بات پہنچتی ہے, لوگ کوئی نہ کوئی اویئر بھی ہوتے ہیں. حالانکہ جو ڈرگ ایڈکٹیڈ ہے وہ تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ ہے کہ جو بندہ کرنے کی سوچ رہا ہے جو ابھی اسٹارٹنگ پوزیشن پہ ہے, وہ ایک اپنے مائنڈ کے اندر اس کے ایک پرابلم وائرس آ سکتا ہے کہ میں نے یہ چیز نہیں کرنی, لوگ اس کو بہت زیادہ غلط کہتے ہیں. یعنی کہ ایک سندیش جو ہے وہ ضرور نوجوانوں تک پہنچتا ہے. تو ایک بات میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کتنی امپورٹنس رہتی ہے اگر آپ نشہ نہیں کرتے ہیں اور آپ کا فرینڈ سرکل اس نشے میں ہے, تو آپ کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے ان دوستوں کو جو آپ کے جگری ہیں, جن کو آپ جگری دوست کہتے ہو, ان کو صحیح ٹریک پہ لانے کی؟ جو انسان تو نشے میں لگ جاتا ہے اس سے تو بچنا ہی بہتر ہے ایز اے فرینڈ, اس کو روکنا ایک بہت ہی مشکل ٹاسک بن جاتا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے بہت زیادہ اس کے ساتھ جھگڑے ڈلنے لگ جاتے ہیں, لیکن اس کو روکنا بہت مشکل بن جاتا ہے. اس سے پیچھے ہونا, اپنے آپ کو بچانا ایک امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ یوتھ کے اندر جتنے کم وکٹمز رہیں گے وہ بیٹر ہے, کہ جو بن گئے ہیں ان کو روکا نہیں جا سکتا. پریونشن از بیٹر دین کیور ان ڈرگس. لیکن یہ اس طریقے کے جو پروگرامز ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ایک آپ نشے سے دور رہیں, دوسرا جو نشے میں پڑ گئے ہیں ان کو صحیح طریقے سے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں. ایک ٹرائی تو کر سکتے ہیں, ٹرائی کیا جا سکتا ہے, لیکن ڈرگز چھڑانا ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. اگر ایک فیملی اپنے بچے کو ڈرگز چھڑانے کے لیے کمرے میں بند کرتی ہے یا اس کو دوائیاں دلانے کی کوشش کرتی ہے, اتنا مشکل ہے اس کو کہ وہ اگر 8-9 مہینے کے بعد بھی باہر نکلتا ہے گھر سے تو بھی اس کی ارج ختم نہیں ہوتی نشے کی. نشہ ختم کرنا ایک انسان کے اندر اپنے اندر ہی اسپارک پیدا ہوتی ہے کہ میں نے نشہ نہیں کرنا, اس کے بنا نشہ ختم نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے, ہم تو خود ہی دیکھتے ہیں یہاں پہ آس پاس. اس کو بس پہلے سے ایجوکیٹ کیا جائے, جو کہ اب کالج کے اندر ہو رہا ہے. یہ اگر ہمارے اسکولز میں ہوتا, 6th-7th میں ہمیں کروائی جاتی, 5th میں کرائی جاتی, تو اٹ واز اے بیٹر اپرچونیٹی فار دیم ٹو اسٹاپ اٹ. جناب جب پودا چھوٹا ہوتا ہے اگر اسی کی بھلائی تب سے شروع کر دی جائے, اسی کو صحیح طریقے سے بڑا ہونے کا طریقہ دکھا دیا جائے اور صحیح غلط کی پہچان بتا دی جائے, تو بخوبی جو ہے سماج بدلنا شروع ہو جاتا ہے. جس برائی سے آج پورا دیش لڑ رہا ہے, پوری دنیا لڑ رہی ہے, اسے لڑنے میں بہت آسانی ہوتی ہے جناب. تو چلیے جناب کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں, ان سے یہ جانتے ہیں کہ آخر اس سمسیا کا انہیں کیا سمادھان لگتا ہے اور اس ایونٹ کا ان کو کتنا فائدہ نظر آتا ہے. لیکن رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. وردی جناب, یونیفارم, ایک سرحد پر جب نظر آتی ہے تو انرجی جناب بڑھ جاتی ہے. ایک ان نوجوانوں کے شریر پر جب یہ این سی سی کی وردی نظر آتی ہے تو جناب انرجی بڑھ جاتی ہے. آج انہیں سے بات کریں گے, نشے کو لے کر بات کریں گے. ایک جوان اپنی زندگی اس سرحد پر گواتا ہے اور دوسرا جوان آج نشے کی اور بڑھتا جا رہا ہے. اس کے بارے میں یہ جوان کیا سوچتے ہیں, اس کو کس طریقے سے واپس لایا جا سکتا ہے, اور یہ جو ایونٹ شری شری روی شنکر جی کا ہوا اس کے بارے میں یہ کیا سوچتے ہیں, کتنا میسج جو روی شنکر جی نے کنوے کیا وہ ان تک پہنچ پایا, جو سیلیبریٹی وہاں موجود تھے ان کا میسج ان تک کتنا پہنچ پایا, اور عام لوگوں تک یہ کتنا پہنچا پائیں گے آج وہ جانیں گے. سو کیسے ہیں آپ سبھی؟ ایونٹ میں کیا چیز آپ کو بہتر لگی, روی شنکر جی کا کون سی ایسی چیز جو آپ کے دل اور دماغ میں بیٹھی ہے نشے کو لے کر, اور آگے جا کر آپ کیا کرنے والے ہیں؟ سر ویسے تو میں مطلب نشے کے خلاف ہوں کافی, تو جو کافی لوگ ہیں مطلب نشے کے خلاف, مطلب پنجاب میں تو بہت زیادہ نشہ ہے اس وقت. تو میں یہ کہنا, جو روی شنکر نے کہا کہ نشہ نہیں نہ کروں گا نہ کرنے دوں گا, میں اس سے بہت زیادہ سہمت ہوں, کیونکہ
इस वक्त जो पंजाब के कई बहुत सारे नौजवान मतलब इस वक्त नशे में हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब वो नशा छोड़ दें और जो कर रहे हैं उन्हें भी ना करने दें। नशा छोड़ दें और जो कर रहे हैं उन्हें भी ना करने दें, लेकिन बहुत से ऐसे नौजवान ये सोचते हैं कि अपने आप को बचा लिया जाए, जो चले गया नशे के रास्ते पे उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है, क्या लगता है? यस सर, लगता है बहुत मुश्किल लगता है, बट सर आज के टाइम में जो हमें लगता है कि नशा एक प्राइड के तौर पर लिया जाता है, यूथ क्या कहता है कि मेरा साथ वाला कर रहा है तो मैं भी करूँगा। कई लोग करते हैं पीयर प्रेशर में, पीयर प्रेशर आज के टाइम में बहुत बड़ी चीज़ है। पीयर प्रेशर आज के लोग अच्छी चीज़ के लिए पीयर प्रेशर को यूज़ नहीं करते, नेगेटिव चीज़ के लिए, नशे के लिए नशा हो गया, गलत काम हो गए, उन सब चीज़ के लिए पीयर प्रेशर ज़्यादा यूज़ होता है। बट पढ़ाई के लिए कभी कोई पीयर प्रेशर में नहीं आता, पढ़ाई में देश के लिए कुछ करे पीयर प्रेशर में कभी नहीं आएगा। तो हमें खुद ही ये लगता है वर्दी में, अभी जो पुलवामा में हुआ, हमें ये लगता है हमें इकट्ठा होना चाहिए, जैसे हम नशे के ख़िलाफ़ है, हमें देश की मतलब जो और कुरीतियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए। नशे के ख़िलाफ़ तो होना चाहिए बट इनके ख़िलाफ़ भी होना चाहिए। पुलवामा में जनाब जो हादसा हुआ वो आज भी दिल दहला देता है, 40 से ज़्यादा हमारे CRPF के जवान शहीद हो गए और वहीं कुछ नौजवान नशे की बलि चढ़ जाते हैं जनाब, सिर्फ और सिर्फ नशा जो है वो इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। अगर मैं पंजाब की बात करूँ जनाब, आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है, कैडेट गुरविंदर सिंह। कैडेट गुरविंदर सिंह, एक जज्बा आता है जनाब जब कैडेट गुरविंदर सिंह नाम लिया जाता है ना, और जब दूसरी तरफ आप ये सुनते हैं कि पंजाब इस चीज़ के लिए बदनाम होता जा रहा है जिसमें नौजवान नशे में पड़ते जा रहे हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या आपको लगता है कि क्या आप ऐसा करें कि एक झटके में ये नशा जो है वो ख़त्म हो जाए? कुछ तो एनर्जी दिमाग में आती होगी। हाँ, जैसे मैं अपने गांव के बड़े सारे इंसिडेंट्स खुद देखता हूँ, मैंने अपनी आंखों से भी कई सारे इंसिडेंट्स देखे हैं पंजाब में अपने गांव में होते हुए, कि वहाँ पे नशा मतलब इट्स यू नो वेरी बेसिक थिंग, मतलब कोई भी कहीं से भी ढूंढ लेता है नशे को, कुछ उसके लिए पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है। बड़े बड़े लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है कि नशा बंद हो रहा है, उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन छोटे लेवल्स पे अगर जाके हम जैसे आम जनता जब देखती है ना, तो उसको सब पता होता है उसकी कुछ नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है उसके ऊपर। मैं चाहता हूँ इस पर सख्त कदम लेने चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। किसी ने अपने दोस्त को नशा करते हुए देखते हुए उसको क्या मना करने की कोशिश की? एक बार हाथ खड़ा कीजिए जिन जिन्होंने मना किया, जिन जिन्होंने मना किया और जिनकी बात उनके दोस्तों ने समझकर नशे को ना कहा। क्या किसी की बात किसी के दोस्त ने आज तक मान पाया है? कोई मानी है? आपका हाथ अभी भी खड़ा है सर। क्या हुआ था और किस तरीके से वो बदल गया? सर वो नशे करता था, स्मोकिंग करता था, उसको मैंने बहुत बताया, बहुत बार समझाया, बाद में जब उसने किसी को देखा कि ऐसा उसके साथ कितना बुरा हुआ है, फिर उसने समझा और छोड़ दिया नशा। मैंने अपने दोस्त को मना किया था तो फिर सर वो समझ नहीं रहा था। क्या हुआ, क्या था इंसिडेंट, क्या था, क्या नशा करता था? सर वो जैसे कि भांग होती ना उसको यूज़ करता था सर, जैसे स्मैक वगैरह लगाते ना वैसे यूज़ करता था। तो मैंने उसको बताया कि ये भांग को नशे की तरह मत यूज़ करो, वो एक मेडिसिन है, वो शिव जी के साथ जोड़ी जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो नशा करते थे, वो एक भांग कैंसर का इलाज कर सकती है, कैंसर जैसा रोग है वो इसे ट्रीट कर सकते हैं। सर फिर उन्होंने समझाया मैंने कि भांग के किस तरह यूज़ करें, वो नशे की तरह यूज़ ना करके दवाई की तरह यूज़ करें वो। तो सर उन्होंने इंप्लीमेंट किया, तो उनको घर में जो उनके पापा को शुगर थी तो शुगर का भी इलाज कर लिया उन्होंने उसी। नशा लोग खुद अपना रहे हैं, उस बीमारी से आपको क्या लगता है कैसे लड़ा जाए जिसे लोग खुद अपने अंदर जाने दे रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अपने अंदर की जो इच्छा शक्ति है ना उसको बढ़ाया जाए, और इच्छा शक्ति और मन पर नियंत्रण रखने के लिए ही योग बनाए। और अब तो ऑनरेबल हम प्रधानमंत्री जी ने भी 21 जून को पूरे वर्ल्ड ने सहयोग देकर के एक योग दिवस का परचम लहराया है। मैं चाहता हूँ कि इसमें युवा से युवा जुड़े और इस योग को अपनाएं। बिल्कुल जनाब, जब युवा से युवा जुड़ेगा, जब एक जवान से दूसरा जवान जुड़ेगा, हाथ से हाथ मिलाएगा और रोकने की कोशिश करेगा तो क्यों नहीं रुक पाएगा? क्योंकि जनाब जब हम निकलते हैं सड़कों पर निकलते हैं और जब किसी को नशा करते देखते हैं तो दिल में दुख ज़रूर होता है और सिर्फ इतना करके चुप हो जाते हैं कि क्या अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। अगर थोड़ी सी कोशिश करें उन्हें रोकने की, थोड़ी सी कोशिश करें उनकी ज़िंदगी बचाने की, तो जनाब ये समाज ज़रूर बदल जाएगा। एक नौजवान जो गलत रास्ते पर जा रहा है वो सही रास्ते पर वापस लौट सकता है, बस ज़रूरत है आपके प्रयासों की, ज़रूरत है इस तरीके के इवेंट्स को सही तरीके से समझने की। और जो गलत तरीके से आपको समझाया जा रहा है ये सोचिए कि क्या एंटरटेनमेंट है और क्या आपको समझाया जा रहा है, फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जनाब इस तरीके के प्रोग्राम रविशंकर जी भी करते रहेंगे, सितारे भी करते रहेंगे, लेकिन आपकी सोच क्या
क्या कहती है वो ज़रूर समझिए। आवाम की आवाज़ में फ़िलहाल इतना ही, एक बार फिर नए मसले को लेकर आवाम की राय जानेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।